सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। हाय गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। हाय गाइस, हाउ आर यू? इट्स मी नवाज़र अगेन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ मैग्डम के बारे में और सॉइल स्टेबलाइजेशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे है वाटरबॉर्न मैग्डम्स आर सिंपली नोन एज WBM। तो वाटरबॉर्न मैग्डम क्या होता है कि इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स ऑफ हाईवे कंस्ट्रक्शन इन द वर्ल्ड। ये जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड है हाईवे कंस्ट्रक्शन इन द वर्ल्ड। इट इज़ बेटर देन अर्थन रोड, ग्रेवल रोड एंड मॉरम रोड्स। जो हमारे पास WBM रोड्स हैं दे आर फॉर बेटर देन अर्थन रोड, ग्रेवल रोड एंड मॉरम रोड्स। इट इज़ नेम्ड आफ्टर स्कॉटलैंड इंजीनियर जॉन सी मैकडम। तो जॉन सी मैकडम के नाम से ही इस रोड को जो नाम पड़ा है वाटरबॉर्न मैग्डम नाम पड़ा है। इट इज़ नोन एज वाटरबॉर्न बिकॉज रोड मेटल आर मैग्डम इज बॉन्डेड टुगेदर बाय यूजिंग वाटर। तो इसको हम वाटर बॉन्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो रोड मेटल है जिसको हम सिंपली मैग्डम कहते हैं उसको बॉन्ड किया जाता है बाय यूजिंग वाटर। मतलब वाटर को यहाँ पे एज ए मिक्सिंग मीडियम ऐड किया जाता है, डेट्स वाई टर्म्ड एज वाटर बॉन्ड। इसमें जो ईच लेयर की थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 75 mm से लेकर 100 mm तक होती है और सिंपली यू कैन से डेट 7.5 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक होती है। मतलब 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा एक लेयर की थिकनेस WBM के केस में नहीं होनी चाहिए। जो साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट है वो जनरली कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी करता है, 20 mm से लेकर 90 mm तक, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 90 mm। वेट ऑफ रूलर यहाँ पे हमारे पास कितना है, 6 से 10 टन्स। और साइज ऑफ स्क्रीनिंग्स मतलब जो फाइन साइज एग्रीगेट्स हम इसमें यूज करते हैं वो कहाँ से लेकर कहाँ तक आते हैं, 150 माइक्रोन से लेकर 12.5 mm तक। मिनिमम 150 माइक्रोन का साइज हम इसमें यूज कर सकते हैं और मैक्सिमम जो 12.5 mm साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट्स हम क्या करते हैं WBM में यूज करते हैं। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास बिटामिनस मैग्डम। इट इज अ प्रीमिक्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्रस्ट एग्रीगेट्स एंड बिटामिन लेड इमिडिएटली एंड कम्पैक्टेड। इसमें क्या किया जाता है कि बिटामिन और एग्रीगेट्स को प्लांट से ही मिक्स करके लाया जाता है, फिर उसको इमिडिएटली साइड पे ले करके उसको कम्पैक्ट किया जाता है। इसमें जो हम ग्रेड्स ऑफ बिटामिन यूज करते हैं वो 30/40, 60/70, 80/100 यूज करते हैं। अब ये 30/40 ये क्या है, इनकी पेनिट्रेशन वैल्यू है 30 से लेकर 40 के बीच में, पेनिट्रेशन वैल्यू 60 से लेकर 70 एटसेट्रा। तो बिसाइड्स बिटामिन वी कैन आल्सो यूज तार, कटबैक्स एंड इमल्शन टू मेड द प्रीमिक्स। तो प्रीमिक्स को बनाने के लिए हम तार, कटबैक्स और इमल्शन का भी यूज कर सकते हैं बिटामिन के अलावा। इसमें जो वेट ऑफ रूलर आता है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक वैरी करता है, 8 से 10 टन वैरी करता है। इसमें 6 से 10 टन तो इसमें 8 से 10 टन है। प्रीमिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम हॉट मिक्स प्लांट्स या मोबाइल मिक्सर्स। तो जो हमारे पास जो प्रीमिक्स है वो हम कहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, या तो हॉट मिक्स प्लांट में प्रिपेयर करते हैं या फिर मोबाइल मिक्सर्स में हम इसको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास वेट मिक्स मैकडम, सिंपली नोन एज WMM। इन दिस टाइप ऑफ मैकडम वाटर बॉन्ड ग्रेनुलर मटेरियल यूज्ड फॉर सब बेस एंड बेस कोर्स कंस्ट्रक्शन। तो ये एक टाइप का वाटर बॉन्ड ग्रेनुलर मटेरियल होता है जिसको हम यूज करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सब बेस एंड बेस कोर्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम करते हैं, इसका यूज करते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय सिलेक्टिंग प्रॉपरली ग्रेडेड एग्रीगेट्स ऑफ स्पेसिफिक साइज एंड बाय एडिंग ऑप्टिमम वाटर। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉपरली ग्रेडेड एग्रीगेट्स को सिलेक्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं कि उनमें ऑप्टिमम वाटर एड करके इस मिक्स को प्रिपेयर किया जाता है। ये एक टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर वहां से हमें ऑब्टेन होता है। इट इज ऑब्टेन इन अ मैकेनिकल मिक्सर और वेट मिक्स मैकडम प्लांट। तो इसको मैकेनिकल मिक्सर या वेट मिक्स मैकडम प्लांट में जो है प्रिपेयर किया जाता है। इसमें जो है थिकनेस ऑफ ईच लेयर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर से ज्यादा एक लेयर की थिकनेस नहीं होनी चाहिए। इसमें साइज ऑफ एग्रीगेट्स कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी करता है, 63 माइक्रोन से लेकर 45 mm तक। सो नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास डेंस बिटामिनस मैकडम, जिसको हम सिंपली DBM के नाम से जानते हैं। इट एक्ट्स एज अ बिटामिनस बेस कोर्स एंड थिकनेस ऑफ सिंगल कंपैक्टेड लेयर 50 mm से लेकर 100 mm। तो ये क्या होता है, एक बिटामिनस बेस कोर्स की तरह एक्ट करता है। इसमें जो थिकनेस है सिंगल कंपैक्टेड लेयर की वो कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी करती है, 50 mm से लेकर 100 mm तक। सिंपली वी कैन से डेट 5 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक वेरी करती है। इसमें क्या किया जाता है कि जो पेविंग ग्रेड्स S65 को यूज किया जाता है विच कन्फर्म्स इंडियन स्टैंडर्ड कोड 73। कोर्स एग्रीगेट शुड रिटर्न ऑन इंडियन स्टैंडर्ड सेव 2.36 mm। तो जो हम कोर्स एग्रीगेट डेंस बिटामिनस मैकडम में यूज करते हैं हम उन्हीं एग्रीगेट्स को यूज कर सकते हैं जो इंडियन स्टैंडर्ड सेव साइज 2.36 mm पे रिटर्न होते हैं। एंड फाइन एग्रीगेट शुड पास थ्रू 2.36 mm एंड रिटर्न ऑन इंडियन स्टैंडर्ड सेव साइज 75 माइक्रोन। और जो फाइन एग्रीगेट्स हम इसमें यूज करेंगे डेंस बिटामिनस मैकडम में वो 2.36 mm से पास होने चाहिए और 75 माइक्रोन पे रिटर्न होने चाहिए। सो उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे मैकडम बेस कोर्स। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। मैकडम बेस कोर्स का मतलब होता है कि इट इज अ बेस कोर्स कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट और ब्रोकन स्टोन एग्रीगेट्स बॉन्ड टुगेदर विद और विदाउट बाइंडिंग मटेरियल। ये एक ऐसा टाइप ऑफ बेस कोर्स होता है जो जनरली किसका बना हुआ होता है, क्रस्ट या ब्रोकन स्टोन एग्रीगेट्स का, बॉन्डेड टुगेदर विद और विदाउट यूजिंग बाइंडिंग मटेरियल। इट हैज जनरली 4 टाइप्स, वाटर बॉन्ड मैकडम रोड्स, ट्रैफिक बॉन्ड मैकडम रोड्स, बिटुमिनस बॉन्ड मैकडम रोड्स और सीमेंट बॉन्ड मैकडम रोड्स। तो वन बाय वन हम यहाँ पे चारों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास वाटर बॉन्ड मैकडम रोड्स, जिनको हम सिंपली WBM के नाम से जानते हैं। इट इज कंसिस्ट ऑफ ब्रोकन स्टोन एग्रीगेट्स बॉन्डेड टुगेदर बाय स्टोन, डस्ट एंड वाटर एंड कंसोलिडेटेड बाय हैवी रोलर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो मैंने WBM को कवर कर दिया आगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। तो ये ब्रोकन स्टोन एग्रीगेट्स का बना हुआ होता है, बॉन्डेड टुगेदर बाय स्टोन, डस्ट एंड वाटर एंड कंसोलिडेटेड बाय हैवी रोलर। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनको कंसोलिडेट किया जाता है हैवी रोलर से। तो नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास ट्रैफिक बॉन्ड मैकडम। इट इज मच सिमिलर टू वाटर बॉन्ड मैकडम रोड्स, लेकिन डिफरेंस इसमें ये है कि इट इज कंसोलिडेटेड बाय एक्शन ऑफ ट्रैफिक्स। इसमें क्या था कि इट इज कंसोलिडेटेड बाय हैवी रोलर। इसमें जो हम मटेरियल ले करते हैं जैसे ब्रोकन स्टोन्स, ग्रेवल्स एटसेट्रा, इनको इसमें क्या किया जाता था, हैवी रोलर से कॉम्पैक्ट किया जाता था। लेकिन इस केस में एक्शन ऑफ ट्रैफिक्स की वजह से ये कॉम्पैक्ट जो है खुद ही होते हैं। तो थर्ड इसमें जाता है हमारे पास बिटुमिनस बॉन्ड मैकडम। इसमें क्या किया जाता है, क्लीन क्रस्ट स्टोन एग्रीगेट्स ऑफ यूनिफॉर्म साइज आर वेल कॉम्पैक्टेड एंड बॉन्डेड बाय बिटामिन। इट इज आल्सो नोन एज पेनिट्रेशन मैकडम। क्लीन क्रस्ट और स्टोन एग्रीगेट्स ऑफ यूनिफॉर्म साइज को वेल कॉम्पैक्ट किया जाता है और उनको बॉन्ड किया जाता है किसके जरिए, बाय यूजिंग बिटामिन। तो सच टाइप ऑफ मैकडम आल्सो नोन एज पेनिट्रेशन मैकडम। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो नेक्स्ट एंड लास्ट मैकडम जो इसमें आता है हमारे पास सीमेंट मैकडम, और सिंपली नोन एज सीमेंट बॉन्ड मैकडम। इसमें क्या किया जाता है कि इट इज मच सिमिलर टू बिटुमिनस मैकडम एक्सेप्ट डेट बिटामिन को रिप्लेस किया जाता है विद सीमेंट से। बाकी इसमें ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस है, सेम सब कुछ वही प्रोसेस है, सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि वहाँ पे बिटामिन को हम यूज करते हैं एज अ बाइंडिंग मटेरियल और यहाँ पे हम सीमेंट को यूज करते हैं एज अ बाइंडिंग मटेरियल। सो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक हमारे पास इसमें जाता है सॉइल स्टेबलाइजेशन। अब सॉइल स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी हम सॉइल की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करते हैं बाय एडिंग सम एक्सटर्नल मटेरियल्स, डेट इज नोन एज सॉइल स्टेबलाइजेशन। तो सॉइल स्टेबलाइजेशन हम जनरली 8 मेथड से कर सकते हैं। वन बाय वन हम यहाँ पे सबको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास सॉइल सैंडी होगी तो क्ले पार्टिकल्स को ऐड किया जाता है सॉइल की स्टेबलाइजेशन के लिए। अगर हमारे पास सॉइल फाइन ग्रेंड होगी तो रिक्विसाइड क्वांटिटी ऑफ सैंड को ऐड किया जाता है फाइन ग्रेंड सॉइल की स्टेबलाइजेशन के लिए। सो नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास सीमेंट स्टेबलाइजेशन। तो सीमेंट स्टेबलाइजेशन में क्या किया जाता है, 3 to 12% सीमेंट को हम सॉइल में ऐड करके सॉइल की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करते हैं। मटेरियल ऑब्टेन्ड आफ्टर मिक्सिंग इज नोन एज सॉइल सीमेंट। अगर आपको याद होगा जब हमने टाइप्स ऑफ स्पेशल कंक्रीट डिस्कस किया था तो वहां पे हमारे पास एक स्पेशल कंक्रीट सॉइल सीमेंट भी आया था। उसमें हम क्या कर रहे थे कि पल्वराइज्ड मिक्सचर ऑफ सॉइल को कुछ अमाउंट ऑफ सीमेंट उसके साथ ऐड करके उसकी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करते थे। तो सेम वही यहाँ पे आया कि जब हम सॉइल में सीमेंट ऐड करेंगे 3 से 12%, तो मटेरियल वहां से ऑब्टेन्ड होगा उसको हम सॉइल सीमेंट कहेंगे। इट इज जनरली सुटेबल फॉर सिल्टी एंड क्लेई सॉइल्स, ग्रेनुलर सॉइल्स विद सफिशिएंट फाइननेस। तो इन सॉइल्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, सीमेंट स्टेबलाइजेशन को प्रेफर कर सकते हैं। सॉइल इज प्लॉड एट 10 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर डेप्थ। तो जब भी हमने सीमेंट स्टेबलाइजेशन करनी होगी तो सॉइल को प्लो किया जाता है 10 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर डेप्थ में। शीप फुट रोलर को यूज करके हम क्या करते हैं, इस टाइप की स्टेबलाइजेशन को कर सकते हैं। बाय डूइंग सीमेंट स्टेबलाइजेशन प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिक्रीज एंड स्वेलिंग आल्सो। तो जब हम सीमेंट स्टेबलाइजेशन सॉइल में करते हैं तो उसकी जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो भी डिक्रीज होती है और स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक जो है वो भी डिक्रीज हो जाती है सॉइल में। थर्ड टाइप ऑफ स्टेबलाइजेशन हमारे पास यहाँ पे आती है लाइम स्टेबलाइजेशन। लाइम स्टेबलाइजेशन में क्या किया जाता है, लाइम को ऐड किया जाता है 2 से लेकर 10%। जनरली हम क्विक लाइम या हाइड्रेटेड लाइम का यूज करते हैं सॉइल की स्टेबलाइजेशन के लिए। इसमें जो ज्यादा इफेक्टिव है वो हमारे पास है क्विक लाइम इज मोर इफेक्टिव एज कम्पेयर टू हाइड्रेटेड लाइम। इट इज सुटेबल फॉर हाई प्लास्टिक क्लेज, कोर्स ग्रेन सॉइल लाइक सैंड एटसेट्रा। ग्रेटर द अमाउंट ऑफ सिल्टी फ्रैक्शन मोर लाइम रिक्वायर्ड। तो जितना अमाउंट ऑफ सिल्टी फ्रैक्शन सॉइल में ज्यादा होगा उतनी हमें लाइम की कंसंट्रेशन ज्यादा रिक्वायर्ड होगी उस टाइप की सॉइल को स्टेबलाइज करने के लिए। इससे क्या होता है कि जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है सॉइल का वो डिक्रीज होता है सेम एज इन द केस ऑफ सीमेंट स्टेबलाइजेशन, और लेकिन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीज होता है और परमिएबिलिटी जो है सॉइल की वो भी इंक्रीज होती है बाय लाइम स्टेबलाइजेशन। फोर्थ हमारे पास यहाँ पे जाता है हमारे पास फ्लाई ऐश स्टेबलाइजेशन। अब फ्लाई ऐश स्टेबलाइजेशन में क्या होता है कि इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स। आपको पता है कि फ्लाई ऐश हमें मिलता कहाँ से, इट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स। अबाउट 120 मिलियन टन्स एनुअली जो अगर हम देखेंगे इंडिया में फ्लाई ऐश प्रोड्यूस होती है। इट इज सुटेबल फॉर फाइन ग्रेन सॉइल, ग्रेनुलर सॉइल एटसेट्रा। तो फ्लाई ऐश सॉइल को हम जनरली किस टाइप की सॉइल की स्टेबलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल है, ग्रेनुलर सॉइल एटसेट्रा। इसमें क्या किया जाता है कि 5 से लेकर 25% हम फ्लाई ऐश ऐड करते हैं साइल में उसको स्टेबलाइज करने के लिए और इसकी प्रॉपर्टीज को, साइल की प्रॉपर्टीज को और फर्दर इंप्रूव करने के लिए क्या कर देते हैं, साथ में 1 से लेकर 3% सीमेंट भी ऐड करते हैं। सो फिफ्थ टाइप ऑफ स्टेबलाइजेशन हमारे पास रहता है बिटामिन स्टेबलाइजेशन। बिटामिन स्टेबलाइजेशन में हम क्या करते हैं, कटबैक्स या इमल्शन का यूज करके साइल को स्टेबलाइज करते हैं। केमिकल स्टेबलाइजेशन ये 6th टाइप है हमारे पास। इसमें क्या किया जाता है कि CaCl2 और सुपर प्लास्टिसाइजर्स को यूज करके हम करते हैं साइल को स्टेबलाइज करते हैं। 7th हमारे पास जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्टेबलाइजेशन, इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मेथड। इसमें क्या किया जाता है कि आयन एक्सचेंज फिनोमेना की वजह से जो फाइन पार्टिकल्स हैं साइल में वो डैमेज हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि साइल स्टेबलाइज हो जाती है। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टेबलाइजेशन मेथड। सो नेक्स्ट एंड लास्ट पर्पस में जाता है ग्राउटिंग मेथड। तो ग्राउटिंग मेथड में क्या होता है कि सीमेंट स्लरी या लिक्विड विटामिन या केमिकल्स को यूज करके हम क्या करते हैं, सॉइल को स्टेबलाइज करते हैं। सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ मैकेडम, दैट इज WBM, WMM, DBM एटसेट्रा एंड साइल स्टेबलाइजेशन, वेरियस टाइप्स ऑफ साइल स्टेबलाइजेशन। तो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम रोड मटेरियल्स एंड रोड पेमेंट्स। तो आई होप कि आपको यहाँ तक जो है सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ।